इस बीच एक और बड़ी खबर, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा खुलासा, जहां एमपी में बने हजारों फर्जी वोटर आईडी कार्ड। आपको बता दें, साइबर क्राइम पुलिस ने सरगना को पकड़ लिया है और बिहार के पूर्वी चंपारण से आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर खबर बड़ी है। वेबसाइट के जरिए फर्जी वोटर आईडी बनाए जाते थे। हमने उसमें वेबसाइट में जब हमने एंटर किया और फर्जी आई कार्ड बनाने की कोशिश की, तो बहुत ही नॉमिनल रेट में क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करके 20 रुपए में एक फर्जी वोटर आई कार्ड हमने प्रिंट कर दी। इसमें सचिन तेंदुलकर जी का हमने फोटो डाल दिया, फादर का, इनका खुद का नाम सचिन तेंदुलकर की फोटो है लेकिन नाम हमने कुछ और डाल दिया, पिता का नाम कुछ और डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ कुछ और डाल दिया, और हूबहू ओरिजिनल वोटर आई कार्ड से मिलती जुलती, ये ओरिजिनल है और ये फेक है, एग्जैक्टली मिलती हुई आई कार्ड प्रिंट हो गई उस वेबसाइट से। अब ये सब में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये ऐसे प्रिंट होने वाले आई कार्ड्स कहीं भी मिसयूज किए जा सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए मिसयूज किया जा सकते हैं। तो जब हमको ये पूरी हमको पता लग गया कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो बहुत से टेक्निकल तरीके से इसमें फिर हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया।